की ओम राउत की रामायण के आदि पुरुष, इन दोनों में जो तुलना है वो समझाते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बवाल मचा है और अब देखिए ये रामानंद सागर की रामायण जो कि जहन जहन में सभी के दिलों में सभी के मन में इस वक्त है मौजूद है, ये है रामानंद सागर की रामायण। और रवि बिल्कुल देखिए दरअसल हम ये जो तुलना दिखा रहे हैं वो पुष्पक विमान की है। देखिए रामानंद सागर ने जो पुष्पक विमान बनाया था वो कितना खूबसूरत था और किस तरीके से शालीन तरीके से था। ओम राउत का जो पुष्पक विमान है आप देखिए चमगादड़ नजर आ रहा है, बहुत हैरान करने की बात है कि ये पुष्पक विमान भगवान शिव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने बनाया था और इसी पुष्पक विमान से राम लंका से अयोध्या भी लौटे थे। सोचिए चमगादड़ वाले पुष्पक विमान पे कैसे लौटे होंगे राम, ये भी कल्पना से परे। और रवि रावण का लुक जिस पर सबसे ज्यादा विवाद पनपा जब रावण का लुक रिलीज किया गया था, देखिए ये रामानंद सागर की रामायण जिसमें रावण का लुक कैसा था, पौराणिक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल, और इसमें ओम राउत के आदि पुरुष में आप देख रहे हैं रावण बहुत ज्यादा खूंखार नजर आ रहा है। अलग अलग ही लुक नजर आ रहा। हनुमान जी की बात करें आप देखिए दारा सिंह ने वो किरदार निभाया था रामानंद सागर में, वो जो किरदार था वो एक तरीके से त्रिकाल मेमोरी में यानी लोगों के जहन में बस गया रच गया। वहीं दूसरी तरफ आप ओम राउत के हनुमान को देखिए बिल्कुल अलग लुक है, बिल्कुल अलग अंदाज है और इस वजह से ये विवाद बढ़ा है। देखिए अभी रामानंद सागर की रामायण जो कि बसी हुई एक एक सीन आपके मन में होगा, हनुमान जी के साथ राम, ये देखिए ये जो सीन है ये सभी को याद है, लेकिन जब आप ओम राउत के आदि पुरुष देखते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आता ट्रेडिशनल। रवि बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न जो लुक है उसको अपनाने की कोशिश की गई। वही हम भगवान राम की बात करें आप सीधे ये अंतर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वहां जो तस्वीर नजर आ रही है जो अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था उन्होंने, वो बहुत ही सौम्य शालीन साथ ही एक ठहराव था उस कैरेक्टर में, यहां पर बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। और इसको लेकर जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि लोगों ने कैसे कैसे राम के लुक को लेकर रिएक्ट किया है और इस पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ देखिए कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, परिचय करा दे सबसे पहले आप। क्या हमारे साथ इस वक्त अजय ब्रह्मधज फिल्म समीक्षक जुड़े हुए हैं और साथ ही समीर चौगांवकर आरएसएस समर्थक हैं, विष्णु गुप्ता अध्यक्ष हिंदू सेना वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर अब्दुल्ला अभिनेता जो कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे और जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर उन सवालों पर हम सबसे पहले अजय जी से ही रिएक्शन लेंगे। अजय जी सबसे पहला सवाल तो वही जो हमने अभी वॉल पे रखा, एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भावनाओं से खिलवाड़, इस फिल्म को किस कैटेगरी में आप पाते हैं? देखिए मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं शुद्ध नास्तिक व्यक्ति हूं और मेरा राम के भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं, बावजूद इसके एक सांस्कृतिक चरित्र के तौर पर मैं राम के प्रति आस्थावान हूँ। मैं उन कथाओं को जानता हूँ, बचपन से सुनता पढ़ता देख आया हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं राम पर फिल्में देखी हैं, आप जिस रामानंद सागर की बात कर रहे हैं वो भी देखी है। तो मुझे इस फिल्म को देखते हुए कल वास्तव में पहली बार अपने 30 साल 40 साल के करियर में सिर दर्द हुआ फिल्म देख करके, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा, आप लोग जो तुलना कर रहे हैं रामानंद सागर और इस फिल्म की, ये तुलना नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ संपूर्ण रामायण थी रामानंद सागर के, यहाँ जो रामायण है जी। वो राम के वनवास से लेकर के और विजय होने के बाद से वापिस आने के हैं, और ये वो राम है जो पिछले 10-20 सालों में भाजपा ने हमारे सामने प्रोपगेट किया है, आक्रांता रामायण, यहाँ धनुष जो है उसे सामने आ चुका है। अब धनुष पीठ पर नहीं है, ये है कि ये जो इतना इस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया है, और इस आक्रांता राम को जब हम देखते हैं और वो उस सारे वादे को फुलफिल नहीं करता है तो सचमुच तकलीफ होती है। संवादों की बात आपने कही, संवाद बहुत ही घटिया पुअर और क्या कहा जाए उसके बारे में, मतलब आग तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, ये कौन हनुमान टपोरी नहीं है, मेरी अनास्था है उनमें, बावजूद इसके मैं ये नहीं सुनना चाहता हनुमान के मुंह से इस तरीके के संवाद। ये तो मुंबईया के थर्ड क्लास जो क्राइम स्टोरीज बनती है उसमें कैरेक्टर बोलते हैं ऐसे, बाप 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 बाप। अजय जी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर फुहरता परोसी गई है? बिल्कुल, उन्होंने धर्म का नाम जरूर लिया है, मेरे लिए वो सांस्कृतिक चीज है। एक सांस्कृतिक चरित्र को, देश के सांस्कृतिक चरित्र को जिसमें सभी की आस्था है,
वैसे चरित्र को इस तरीके से दिखाना, उसके मुंह से ऐसे संवाद बुलवाना कतिपय शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, और इसकी जितनी भर्त्सना हो सके की जानी चाहिए। और ये कह सकता हूं मैं कि जो एक कोशिश की गई थी कि आदि पुरुष के जरिए कुछ हासिल किया जाएगा, ये तीर उल्टा उनके सीने पर लगा है। पूरे जो इस तरह की फिल्मों के समर्थक हैं, जो बहुत आक्रामक थे प्रचार में, और जैसा कि मैंने सुना था कि रिलीज के पहले वे तैयारी कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा टिकट लोगों तक पहुंचाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ सिनेमा घर में आए, और वही लोग टिकट वापस कर रहे हैं। कल मुझे ट्रेड के एक पंडित ने कहा, ट्रेड एनालिस्ट ने कहा कि लोग एडवांस के टिकट वापस कर रहे हैं या वापस कर चुके हैं, क्योंकि बुक माई शो पर ऐसे फैसिलिटीज हैं कि आप अपने बुक किए हुए टिकट वापस कर सकते हैं, तो उन्होंने टिकट वापस कर दिए हैं। इस तरीके की बातें आ रही हैं।